इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल 2023 इसके कोर्ट केस के बारे में। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हियरिंग हुई थी और इसके साथ ही एसएससी ने पहली चीज़ तो ये बोली है कि डबल बेंच में वो एलपीए फाइल करेगा, बट ये बात जो है किसी भी तरीके से मानी नहीं गई है। याद देख सकते हैं कि ये कहा गया कि कोर्ट ने पहले भी आपको कहा था कि इस ऑर्डर को आप कंप्लाई करेगा, 16 फरवरी का ऑर्डर, एंड ऐसा कोई भी लीगल इम्प्लिकेशन नहीं है कि इस ऑर्डर को ना कंप्लाई किया जाए। इसके साथ ही मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि जो रिस्पोंडेंट है मींस एसएससी, इसको कहा गया है कि आपके पास आखिरी मौका है इस ऑर्डर को मानने के लिए 7 दिन के अंदर, या तो फिर जो नेक्स्ट डेट है उसमें आप ये बताइएगा कि क्यों ना आपको पनिश किया जाए। मैंने वो हियरिंग सुनी है, पूरी तरीके से एसएससी के बात को खारिज कर दिया गया है। जज साहब ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई, पहली बात तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे कभी कोर्ट के हियरिंग में जाते नहीं हैं, तो एज यूजुअल एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिसर नहीं गया। ऑब्वियसली एसएससी के लॉयर तो थे, लेकिन जो लॉयर थी उनकी तरफ से कोई अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें रखी नहीं गई। बस उनका सेम चीज़ थी कि काफ़ी सारे लोग इससे इफेक्ट होंगे, लगभग 8,000 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनकी ट्रेनिंग में काफ़ी खर्चा हो चुका है, यही सारी चीज़ें उन्होंने रखी। बट जज साहब ने सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा कि हमने आपको कहा था कि किसी को भेजिएगा, किसी हायर ऑफिसर को, क्या कोई आया या नहीं? तो उनके हिसाब से कहा गया नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन ऐसे केस में डेफिनेटली जज साहब को गुस्सा आता ही है। तो ये रहा कि भाई अब 7 दिन के अंदर एसएससी को कहा गया कि ये ऑर्डर माने। अब लेट्स सी कि भाई 30 तारीख को क्या होता है। अब रही बात कि क्या एसएससी इस चीज़ को तुरंत मान जाएगा, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैं जज नहीं हूँ, मैं एसएससी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई डोंट थिंक कि भाई एसएससी इतनी आसानी से इस चीज़ को मान जाएगा। मैं भी शायद 30 तारीख को वो कोई और डिसीजन दे या कोई और बहाना दे या कुछ भी करें, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर आज है जब ये वीडियो बन रही है तब है 25 एंड केवल 5 दिन बचे हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये रही अपडेट। एंड इसके बारे में मैंने अपने उस दिन जो है एक भाई ने कमेंट किया था, उसी दिन मैंने बता दिया था कि भाई 30 तारीख को डेट लगी है एंड एसएससी जो है एलपीए फाइल की है। हाँ, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट था कि क्या सही में कहा गया कि 7 दिन के अंदर आएगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, वो जो पूरी हियरिंग सुनी, उसमें फिर हाँ ये क्लियर कट हो गया था कि भाई 7 दिन के अंदर एसएससी को कहा गया है कि भाई उस ऑर्डर को मानो। अब वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि कुछ चीज़ें थी उसमें मैं बिजी हो गया था। डेट्स वाई जो है आपको काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं दिख रही है। हैव नाइस डे।